अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं हार्दिक मारू। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आया हूं द्वारकाधीश के मंदिर पे। आप देख सकते हैं पूरा द्वारका। वेल, आज मैं यहाँ पर अपनी कास्ट आहिर समाज में रुका हूँ। समाज को मैंने आपको दिखा दिया है, बहुत ही अच्छी जगह है रहने के लिए। वेल, कास्ट के लोगों को प्रेफर करता है। अगर यहाँ पर पानी की सुविधाएँ बहुत अच्छी है, वो भी फ्री में है। खाना, सुबह का नाश्ता, ये तमाम प्रकार की सुविधाएँ जो है दी वो एकदम फ्री है। आप गद्दे यहाँ से ले सकते हैं, तकिए, ये बिल्कुल फ्री में है सिर्फ समाज के लोगों के लिए। ये जुलाई मंथ है, जुलाई 2024, और यहाँ का मौसम देख सकते हैं एकदम बरसातों वाला, पूरे बादल छाए हुए, ना सूरज निकला। अभी सुबह मॉर्निंग के 8:30 बज चुके हैं, फिर भी यहाँ का मौसम देखिए, हर जगह पानी पानी भरा है क्योंकि बारिश यहाँ पर बहुत हुई है। अभी 9 बजे जब मंदिर खुलेगा तब हम लोग जाएंगे मंदिर दर्शन के लिए, तब तक बने रहिए। पार्किंग करने के बाद गाड़ी, हम लोग सीधा जा रहे हैं इतना वॉकिंग डिस्टेंस पे। बस आप लोगों को इतना ही चलना है, सामने मंदिर दिख रहा है। अगर आपके पास मोबाइल है तो यहाँ पर रख सकते हैं, काउंटर फ्री है, मंदिर की तरफ से है। दान में जो भी देना है दे सकते हैं। पंडित जी ने टीका लगवा दिया है,
राधे राधे लिखवा लिया है। मैं और पांडे जी, हाँ इनसे परिचय करवाना भूल गया, ये हमारे पांडे जी है जिनको मैं 2016 से जानता हूँ और हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव मतलब हमारे बॉस है। आज इनको लेके द्वारका घूम रहे हैं। तो मंदिर के बाहर ये पूरा मार्केट है जहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज मिलती है, कपड़े से लेकर ज्वेलरी से लेकर हर चीज़ मिलती है। बाहर लॉकर की भी सुविधाएं मिलती है प्राइवेट वाली पूरी। प्रसाद लेना ना भूले यहाँ से। प्रसाद लेना है तो अगर कैश पेमेंट नहीं है तो स्कैनर से भी आप ले सकते हैं। इस गली में ये दूसरा दरवाजा है जहाँ से आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अरे दो तीन तिली एक साथ लीजिए और नहीं चलेगा। द्वारकाधीश के दर्शन हो गए, मार्केट भी घूम लिया है, थोड़ी बड़ी खरीदारी भी कर ली, तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बेट द्वारका।
जब ये ब्रिज नहीं था तब इन्हीं बोटों के सहारे बेट द्वारका से हम लोग निकल चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुलशन कुमार जी जो थे टी सीरीज के मालिक, जो पहले उन्होंने ये बनाया था मंदिर। अब हमारा नागेश्वर में दर्शन हो गए। नागेश्वर मंदिर के अंदर आप मोबाइल कैमरा कुछ भी लेके जा सकते हैं, अलाउड है। पोरबंदर में जो बारिश हुई है ना, उसकी वजह से यहाँ खेतों में पानी ही पानी भरा हुआ है। बिल्कुल समंदर जैसा दिख रहा है पूरा हालत। मतलब हालत बहुत खराब हो गई थी क्योंकि एक दिन में 25 इंच बारिश हुई थी। सो टूरिस्ट भी कम है और एकदम साफ सुथरा रास्ता दिख रहा है अभी, लेकिन दोनों साइड रोड की पानी ही पानी दिख रहा है।